श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्वासति गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, क्योंकि दो चार दिन से जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हो सकता है क्वेश्चन अराइज हुए हो, और हमारे पास टाइम है, आप पूछ सकते हो वो क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। हरे कृष्णा बापूजी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापूजी, आपने एक बार सत्संग में कहा था कि कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ फैसले जिंदगी लेती है। तो जब जिंदगी लेती है तो वो इट्स लाइक अ डेस्टिनी, नसीब, फिर वहाँ पे हमारा चॉइस कुछ भी नहीं चलता। और फर्स्ट हाफ को देखे कुछ फैसले हम लेते हैं तो वो हमारी चॉइस है। तो रियलिटी में पावरफुल क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और आप इन दिनों जो सत्संग कर रहे हो वो प्योरली चॉइस पे बेस्ड है। बिकॉज डेस्टिनी में जो लिखा रहता है, कभी कभी बुद्धि भी उस प्रकार के ही डिसीजंस लेती है, तो फिर इंसान का चॉइस वहाँ पे कहाँ मैटर करता है? देखो, पहली बात ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ फैसले हमारी जिंदगी लेती है। जब जिंदगी लेती है तो उसमें हमारे पास कोई चॉइस बाकी नहीं रहती है। जब जिंदगी लेती है फैसले तो हमारे पास चॉइस बाकी नहीं रहती, लेकिन एक हिस्सा तो हमारे पास है, कौन सा वाला? अपना फैसला करने का। तो जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कृष्ण शरणागति हो जाना है, और याद रखना कृष्ण भक्ति कृष्ण भजन ये आपके डेस्टिनी की बात है ही नहीं। लोग कहते हैं ना इसके नसीब में भक्ति थी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भक्ति भजन या सदगुरु ये हमारे किसी कर्म का फल नहीं है। अगर ये सब हमारी कर्म का फल होता तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों को भक्ति मिलती ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म तो अगले जन्म को तो छोड़ो, इस जन्म में भी बहुत खोटे थे। इसलिए भक्ति आपके कर्म का फल नहीं है, भजन आपके कर्म का फल नहीं है, और सद्गुरु महाराज किसी कर्म का फल नहीं है। अगर गुरु महाराज कर्म का फल होते तो गुरु का नाम कभी ना पड़ता, कृष्ण कृपा मूर्ति। ज्ञानी प्रकाशी गुरु मिला, हुआ जीवन उजियारा, जब गोविंद कृपा की नी तभी गुरु मिलिया है। तो जो गुरु महाराज है वो बेसिक कृपा का रिजल्ट है, कृपा। और जब कृष्ण कृपा हुई तो क्या मिले? गुरु मिले। इसलिए हम गुरु को कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, कि गुरुदेव जो है ये किसी कर्म का फल नहीं है, परंतु कृष्ण की कृपा है। अब कृष्ण की कृपा से गुरु मिले और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे, इसमें नसीब का कोई लेना देना नहीं, हमारी डेस्टिनी का कोई लेना देना नहीं। जैसे एक दिन मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था, उनकी चरण सेवा में कर रहा था, और मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरु महाराज कोई ऐसे मेरे कौन से पिछले जन्म का कर्म है जो आप मिले, मेरे कोई सौभाग्य है क्या? उन्होंने कहा आई मेट यू फॉर्चुनर।
मैंने तुम पे कृपा की है। जिस तरह से हमारी कार चलती है और टायर पंक्चर हो गया और हम में हिम्मत नहीं है कि उस कार को उठा सके और टायर बदल सके, लेकिन हमारी कार में एक जैक होता है। वो जैक क्या करता है, कार को ऊंचा करता है और आराम से ऊंची हो जाती है। इसी तरह से जिनके कर्म फल है, क्या बोला, उनसे ये माला नहीं उठेगी, क्योंकि माला जब उठाने बैठेंगे तो उनको लगेगा 10 मन की माला है, वो उठाएगा ही नहीं। लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो ये 10 मन की माला हार्डली 10 ग्राम की हो जाती है। ये कृपा है किसकी, गुरु महाराज की। बाकी सब कुछ हमें नसीब से मिलता है, नो डाउट। यहां तक कि पति भी अपने कर्म से मिलता है, पत्नी भी अपने कर्म से मिलती, बच्चे भी अपने कर्म से मिलते, नौकरी धंधा बिजनेस सब कुछ अपने कर्म से है। लेकिन सद्गुरु महाराज किसी भी कर्म का फल नहीं है, बल्कि वो हरि कृपा। जब ब्रह्मांड बम्यत लोक, कौन भाग्यवान जी, क्या हुआ गुरु, खाली कृष्ण कृपा से कुछ नहीं होगा। ये बात बहुत अजीब बता रहा हूं, कृष्ण भी कृपा करेंगे तो कृष्ण जब कृपा करते हैं, सुनो, जब भगवान दया करते हैं तो आपको गाड़ी मोटर बंगला सब मिल जाता है, लेकिन जब कृपा करते हैं तो आपको सतगुरु मिलते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण दया मूर्ति, हम हमेशा कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो ये जो कृष्ण की कृपा है, और याद रखना कृष्ण की कृपा ऑलवेज कॉजलेस मर्सी, अहितु की कृपा बिना किसी वजह के। और आप विश्वास करो हम सबों पे वही अहितु की कृपा हुई है, क्योंकि हम पास्ट में जाएं बचपन से अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम किया है कि हमको एक कृष्ण भक्ति मिले। हम तो दुनिया में खोए हुए थे, कोई पढ़ रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई कुछ और कुछ 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 कुछ। ऐसे में गुरु कृपा हुई और हम खींचते चले गए। जिस तरह से कृष्ण आकर्षण करते हैं, और क्योंकि कृष्ण के ब्याह पर गुरु है इसलिए गुरु महाराज भी आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करके कृष्ण भजन का दान प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। अब ये भजन क्या करेगा, भजन हमारे कर्म काटेगा। कर्म काटने के मतलब है भजन हमारे भाग्य बदलेगा। जिस बाग में, जिस बगिया में बाहर न, जिस बगिया में बाहर नहीं थी, बन के बाहर आए गुरुदेव हमारे। जिस मुख में जबान नहीं थी, बन कर कीर्तन आए गुरुदेव हमारे। तो यदि हमें कोई प्रमाणिक गुरु मिला है
और प्रमाणिक गुरु का यही सबसे बड़ा लक्षण है कि वो आपको भजन के साथ जोड़ेगा। किसी चमत्कार या कोई इस तरह की बातें कि उनके पास जाते हैं तो पैसे वाले हो जाएंगे, उनके पास जाएंगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा, इनके पास जाएंगे तो ये बीमारियां दूर हो जाएगी। वास्तविक ये सतगुरु का काम नहीं होता। सतगुरु का काम लोगों को भजन करवाना होता है। सतगुरु का काम लोगों को हरि कथा सुनाना होता है। सतगुरु का काम लोगों को हरि सेवा में लगाना होता है। और आज हमारा पूरा परिवार कहीं ना कहीं हरि सेवा में लगा पड़ा है। मंदिर में नहीं करते हैं, अपने घर में जाके अपने ठाकुर की सेवा करते हैं, ठाकुरों को भोग लगाते हैं, ठाकुर का श्रृंगार करते हैं, ठाकुर को लाड लड़ाते हैं। ये कब हुआ? ये गुरु कृपा से हुआ, ये आपके किसी कर्म का फल नहीं है। इतना याद रखना, कर्म का फल हमारा क्या है? शादी होना भी कर्म का फल है, शादी ना होना भी कर्म का फल है, बच्चे होना भी कर्म का फल है, बच्चे न होना भी कर्म का फल है, शादी के बाद शादी सक्सेस होना या ना होना, ये सब हमारे कर्म के फल है। लेकिन जहां तक भक्ति है वो किसी कर्म का फल नहीं है, बल्कि एक ऐसा महापुरुष जो हमारे जीवन में प्रवेश कर गया और उसने हरि नाम का दान दे दिया। याद रखना, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकरा देगी आपको, बिल्कुल ठुकरा देगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिना भजन के, बिना कृष्ण गुण गाए आप मुफ्त में मर गए। मिलता ना, ये मुफ्त में गया, ये कभी कभी ऐसे बोलते, ये तो चाराने के, कितने के भाव में गया? बाराने के, बाराने के भाव में गया। अरे फिर भी तो बाराने के, हम मुफ्त में नहीं मरेंगे। खूब अच्छे से मेरे हरि के गुण गाएंगे, हरि कीर्तन करेंगे, मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद के दर्शन करेंगे। अब फिर अगर मर भी गए तो कोई पछतावा नहीं होगा कि मैं वो नहीं कर पाया। और एक बात बताऊं, मैं तीन चीजें आज आपको बताना चाहता हूं। हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी आदतें हैं बाबा, हमारा सबसे अच्छा दोस्त हमारी आदतें हैं। और जिंदगी का पछतावा, मरते समय ये विचार आना कि मैं कुछ कर नहीं पाया। पता है, जब हम बहुत सीरियस बीमार होते हैं ना, तो बहुत एक पछतावा होता है, मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, जबकि मौके तो मुझे बहुत मिले। और ये पछतावा जो है ना, हमें सुख से मरने नहीं देगा कि हरि कथा की नहीं, सत्संग कभी गया नहीं, भजन किया नहीं, कृष्ण भक्ति की नहीं, कृष्ण शरण लिए नहीं, अब तो सामने मौत है। ये बहुत बड़ा पछतावा होता है। और मैं चाहता हूं कि हम सबको ये पछतावा ना हो, कि जब भी हम सीरियस बीमार हो और यदि मृत्यु का विचार आए भी तो सोच लेना कि अगर मर भी गए तो क्या, राधा वृंदावन चंद्र के पास आएंगे। क्यों? हमने उनका भजन किया है, उनकी सेवा की है। याद रखना, भजन करने वाली व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाएगी। भजन करने वाली व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाएगी। दो चीजें हैं,
सत्संग या कुसंग, सत्संग करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो फैसले हम लेते हैं वो हमारे कर्म का फल है, जो फैसले जिंदगी लेती है वो भी हमारे कर्म का फल है। लेकिन इन कर्म के फलों में एक फैसला, मैंने कहा ना सोचने में हम स्वतंत्र आजाद है, और यदि हमने ये सोच लिया कि मुझे कृष्ण शरणागति होना है तो फिर ये काम कृष्ण का है कि हमें वो मौका देंगे। अभी राधे कह रही थी जहां चाह है वहीं राह है। अगर मुसीबत पता क्या है, मैं आपको सत्य कहूं, ये भजन करना मुश्किल काम नहीं है। माला कितनी करनी है? 16, वो भी दीक्षा वालों को। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो 8 भी करे, 6 भी करे, 10 भी करे, 5 भी करे। ये कोई 16 माला करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। और कृष्ण इतने दयालु है कि आज कलयुग में उन्होंने भक्ति को सरल कर दिया है। शिला प्रभुपाद जी महाराज की कृपा से भक्ति बड़ी सरल हो गई है, कोई भी कर सकता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। इसलिए जो फैसले हमारी जिंदगी लेती है वो तो हमारे कर्म है, लेकिन जब हम कृष्ण कृपा से कृष्ण शरण जाते हैं तो कर्म हमारे कटने लगते हैं, कर्म हमारे कटने लगते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ये हमारा कर्म कटा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ये हमारा कर्म कटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, ये हमारा कर्म कटा। समझे? इसलिए ये फैसला हमारा है कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है या नहीं करनी। लोग कहते हैं जब भगवान का बुलावा आएगा तो, कईयों को कहते हैं सत्संग आओ, कहते हैं हुक्म होगा तो आएंगे। कुछ लोग कहते आओ मंदिर में राधा वृंदावन, जब उनका बुलावा आएगा तो हम आएंगे। तो भाई देखो, उन्होंने तो हुक्म दे ही दिया है सर्वधर्मान प्रत्यायजय माम एकम शरण, ये तो हुक्म दे दिया। अब कैसे दे आपको हुक्म बताओ? अब बुलावा आएगा तो जाएंगे, तो बुलावा तो आया है आप चले जाओ, नहीं तो एक दिन जब बुलावा आया तो सीधे शमशान ही जाओगे फिर तो। इसलिए उससे पहले कि वो हमें बुलाए हम खुद ही चले जाए, ये श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए प्लीज 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 अपनी भक्ति से कोई कंप्रोमाइज मत करो। यही हमारी भक्ति, हमारा पागलपन होना चाहिए, हमारा पैशन, पैशन समझते हो, हमारा पैशन होना चाहिए, पागलपन जुनून होना चाहिए कि कुछ हो जाए। ये मेरा पागलपन है, ऐसे जियो ठाकुर को पागलों की तरह। दिल दिया है जाम भी देंगे, हे गोविंद तेरे लिए। समझ आई? इसलिए हम क्या जाने किस्मत में क्या लिखा है, हम तो ये जाने कि भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग करे। मैंने उस दिन ही कहा था दुर्योधन को वो मिला जो किस्मत से मिलता है, और अर्जुन को वो मिला जो किस्मत बदलने वाला है। तो याद रखना, आपको माँ, आपको पिता, आपको भाई, आपको बहन, आपको एजुकेशन, आपको पैसा, धन दौलत, सब किस्मत से मिला है,
लेकिन ये राधा वृंदावन चंद्र की सेवा वो मिली है जो किस्मत को बदल देती है। संत कबीर कहते कागा मतलब कौवा, कागा गुरु दर्शन से, कबीर कबीर गुरु दर्शन से काग भया हंस, कि गुरु में तो इतनी शक्ति और सामर्थ्य कि कौवे को भी वो हंस बना देता है। कागा गुरु दर्शन से, कबीर गुरु दर्शन से काग भया हंस, कहे कबीर गुरु दर्शन से उत्तम किया वंश। अरे एक महापुरुष के कुल में कोई भी जन्म ले ले, महापुरुष तो महापुरुष है लेकिन उसके वंशज को भी लोग मान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उस महापुरुष ने अपने आप को तो छोड़ो अपने वंश को भी उत्तम कर लिया है। एक महापुरुष अपने वंश को उत्तम कर देता है। इसलिए प्लीज अपने किस्मत पे डिपेंड न करो, मेरे हरि की कृपा पे डिपेंड करो जी। और कुछ जी, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा बापू जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी जैसे कि आपने अभी कहा कि हमें जो कुछ भी मिला है वो कृपा से मिला है, ये बिल्कुल सही है, मैं फुली कन्विंस हूँ इस बात से। लेकिन किसी ने किसी समय में बहुत ही इस मैटर पे डिस्कस हुई थी कि कृपा नहीं भजन भक्ति ये है ना पिछले जन्म के कर्मों से भी होता है। इसके प्रमाण में उन्होंने भागवत जी का ये तीसरे स्कंद का जो श्लोक है माता देहूति जी का, जिसमें वो कहती हैं कि इस पिछले जन्म में जिन्होंने तपस्याएं की हैं, तीर्थों का स्नान किया है, कई दान पुण्य कर्म किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनके मुख पे भगवान का हे प्रभु आपका नाम आता है। तो एक्चुअली आंसर इस बात का क्या होना चाहिए फिर? अगर चलो मान लो कि भागवत का श्लोक है तो इसको चैलेंज तो नहीं कर सकते कि जिन्होंने पिछले जन्मों में तीर्थ किया है, दान किया है, तीर्थों का वास किया है, सब तीर्थों का स्नान किया है या वेदों का अध्ययन किया है, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें इंसान कब करता है? देखो दान तपस्या सदाचार यज्ञ ज्ञान की प्राप्ति ये इंसान उसी सूरत में करता है जब उनको सही गुरु मिलता है। क्योंकि तीर्थ भी किसी संत के मार्गदर्शन में रह के करना पड़ता है, दान भी किसी संत के मार्गदर्शन में रह के करता है, वेद अध्ययन, तो ये सब तो गुरु के बिना हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग बोलते हैं जिसने पिछले जन्म में ये सब कुछ किया है उसको मिलेगा, इसमें गुरु का क्या रोल है? अरे गुरु का यही रोल है कि पिछले जन्म में ये सब तुमसे करवाया, तुम अपनी माँ के पेट से निकल के गंगा स्नान करने नहीं चले गए थे, या माँ के पेट से निकलते ही जेब में हाथ डाल के दान नहीं किया था, या माँ के पेट से निकलते ही यज्ञ आदि नहीं करे थे, ना ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कोई ना कोई महापुरुष तो मिला होगा ये सब करवाने के लिए। और जब ये सब उन्होंने भली भांति करवाया तब जाके भजन मिला, तो उस समय भी वही महापुरुष थे जिन्होंने तुम्हारे साथ रहकर ये सब करवाया, और इस जन्म में भी वही महापुरुष है जो उस सब करवाने का फल तुम्हें देते हैं भजन के रूप में, राइट? कोई कहते ये तो हमारे पिछले जन्म का कर्म था, इस पे गुरु का क्या काम है? लेकिन पिछले जन्म में किसने करवाया था सब? और तुम इतने ही नेक थे कि पिछले जन्म में ये सब तुमसे करवाया था तो इस जन्म में तुम फिर इस जन्म में तो तुम्हें छोटी उम्र से सब करना चाहिए, पिछले जन्म का सब है। जैसे ही हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कह सकते हैं कि पिछले जन्म को कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन तुम जब 20-25 साल के हुए तब से ये काम चालू किया, और वो भी
जब तक तुम्हारे जीवन में कोई महापुरुष नहीं आया। अगर पिछले ही जन्म का कर्म का फल होता तो बचपन से मिलता। पैदा होते बोलते हले कृष्णा हले कृष्णा, और मम्मी 10 रुपये दे और जाके पेटी में डालते, ऐसा तो ज्ञान ही तुमने कभी। नॉनवेज खाते थे क्यों? पिछले जन्म के जिसने ज्ञान होता है वो नॉनवेज खाता? नॉनवेज भी तुमसे किसी महापुरुष ने छुड़वाया? भाई जिसने पिछले जन्म में ये सब किया है वो तो पैदाश ही वैष्णव है। किसी ऐसे घर में जन्म लेगा जैसे ये हमारे बच्चे हैं, इनके मुंह में आज तक कुछ ऐसे वस्तु गई नहीं, इवन लहसुन कांदा नहीं गया। तो अगर तुम्हारे पिछले जन्म के इतने ही तोपे मारी होती तो पैदाइश ही तुम ऐसे होते। लेकिन 20-21 साल तक भी तुमको अकल नहीं थी, फिर किसी महापुरुष का सानिध्य मिला और तुम्हारे हाथ में माला पकड़वाई, फिर किसी महापुरुष की कृपा से तुमने ये सब छोड़ दिए जो खाने के लायक पदार्थ नहीं थे। और अब कहते हो ये पिछले जन्म का? अबे पिछले जन्म का होता तो तुम पैदाइश ही करते ये सब कुछ, है ना भाई? जिसके पिछले जन्म का होता क्या करता? वो तो पैदाइश ही करता पिछले जन्म के कर्म। जैसे अर्जुन को कहा, अर्जुन तू देवी प्रकृति लेके आया है, तो ये तो सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उन राक्षसों को जो दो हाथ से मांस खाते थे, जिन्होंने कभी माला तक नहीं पकड़ी थी। अगर तुम्हारे पिछले जन्म में वेद ये वो होते तो तुम तो किसी वैष्णव के घर पैदा होते जैसे शिला प्रभुपाद हुए। तुम तो ऐसे घर में पैदा हुए जब बचपन से ही सब नॉनवेज खाते थे और हार्डकोर नॉनवेज खाते थे, और उस महापुरुष की कृपा से तुम्हें महामंत्र मिला, तुमने ये सब कचरा खाना छोड़ दिया। अगर पिछला जन्म का बात होती ना तो ये सब तुम कभी ना करते। चलो और कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, माता को दो, माता को दो। बोलो बोलो बोलो। अब देखो ये माता ने बहुत अच्छा श्लोक बोला है। कृष्ण 11वें अध्याय में 53 श्लोक में कहते हैं, ना हम वेदई न तपस्या न दाने न च इज्जया। ये भागवत पे भी कहा है कि मैं दान तपस्या या वेदों के पढ़ने से नहीं मिलता हूं। फिर भागवत में कहा, कुएं खुदवाने से, अनदान करने से मैं नहीं मिलता हूं, मेरी भक्ति तो किसी महापुरुष की कृपा से मिलती है। अगर ऐसा ना होता तो कृष्ण खुद रिकमेंड ना करते, पर ओ क्या तदविधि, जाओ तुम किसी गुरु के पास। इसलिए ये सब बातें जो है वो मूढ़ लोग करते हैं, अज्ञानी लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपनी अच्छाई का क्रेडिट जिसने उसको अच्छा बनाया होता उसको कभी नहीं देते, खुद ही लेते हैं कि भैया तो हमारे पिछले जन्म का कर्म था, और ये भागवत के श्लोक का हवाला दे देते। लेकिन भागवत में दूसरा भी तो कुछ लिखा, वो क्यों भूल जाते हो? भागवत में तो ये लिखा कि जो गुरु है उसको वैसे जानो जैसे मैं हूं, वो तो तुम भूल गए जी। और कोई क्वेश्चन? बस 5 मिनट है आज हमारे पास। यस बेटा। बापूजी हरे कृष्ण, आपके श्री चरणों में प्रणाम। 6 मार्च को इवनिंग के सत्संग में आपने समझाया था कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है कि माँ भवानी और शिव जी के भक्ति से उनके भक्ति का फल है कृष्ण भक्ति, और वो दोनों हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के मॉर्निंग सत्संग में आपने समझाया था कि दुर्योधन भी कृष्ण का शिव जी का भक्त था, तो फिर अगर वो शिव जी का भक्त था तो शिव जी ने उसको क्यों नहीं कृष्ण भक्ति प्रदान की? और अगर कुछ कारणवश वो नहीं प्रदान कर पाए तो एक एज अ डिवोटी, वो दुर्योधन शिव जी का डिवोटी था तो कहाँ ना कहाँ दुर्योधन भी शिव जी को अपना भगवान मानता था, तो एज अ भगवान उनको राइट रास्ता दिखाना चाहिए था ना,
उनको समझाना चाहिए था कि जिसके अगेंस्ट जो खड़ा हो रहा है वो स्वयं ईश्वर है, तो उन्होंने वो क्यों नहीं किया। और अगर हम रामायण में भी देखें तो जो रावण था वो भी शिव जी का भक्त था। तो आज रामायण और महाभारत होती ही नहीं अगर शिव जी कृष्ण भक्ति वो दोनों को प्रदान कर देते, अगर वो नहीं तो एटलीस्ट उनको गाइडेंस देते। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। अब एक बात सुनो कि शिव जी तो बहुत दूर की बात है, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण समझाने गया था, शिव जी तो छोड़ दो, ये शिव जी की ही कृपा थी कि दुर्योधन को कृष्ण समझाने गए, सुप्रीम पर्सनलिटी समझाने गए। और सोचो जो कृष्ण से नहीं माना वो शिव जी से क्या मानता था। इसलिए बेटा ये जो शिव जी की भक्ति में सफल हो जाते, देखो एक भक्ति करना और एक भक्ति में दोनों अलग चीजें। तो शिव जी की भक्ति जो करते हैं उनको तो ये संसार के पदार्थ मिल जाते हैं, लेकिन जो भक्ति में सफल हो जाते हैं सर्टिफिकेट किसको मिलता है? देखो किताबें सबको मिलती है, किताबें, सर्टिफिकेट किसको मिलता है? जिसको किताब मिली उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऐसे जिसको शिव जी की भक्ति मिली उसको कृष्ण भक्ति भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो उस शिव जी की भक्ति में सफल हो गया और जिसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया, और जब शिव प्रसन्न हो गए तो कृष्ण भक्ति दे दी। और याद रखना रावण दुर्योधन जैसे शिव जी की कितनी भी भक्ति कर ले वो शिव जी उनसे प्रसन्न होने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, कतई बिल्कुल नहीं होते। ना ही मां दुर्गा होती है इन राक्षसों जैसे लोगों से प्रसन्न, इसलिए ये जो मांगते हैं वो तो दे देते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है, तुमने भक्ति की है इसलिए मैं तुमको दूंगा। लेकिन शिवजी या मां दुर्गा कृष्ण भक्ति कब देते हैं? जब वो अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये दुर्योधन टाइप लोगों से प्रसन्न हो गए शिव जी? कभी नहीं। दुर्योधन जैसे लोगों से प्रसन्न होंगे कौन? मां भवानी? कभी नहीं। अब देखो रावण, जैसे आपने रावण का भी कहा, अब रावण के 20 हाथ थे, दो हाथों से वो शिवलिंग की पूजा करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी की पूजा कर रहा है, दो बाकी 18 हाथ, 18 हाथों से लोगों को तंग कर रहा है। कभी किसी साधु की चोटी खींच ली, कभी किसी साधु के हवन में पानी डाल दिया, कभी साधु को उठा के फेंक दिया, कभी कुछ कभी कुछ। तो दो हाथ से वो शिव की सेवा कर रहा है, 18 हाथों से शिव भक्तों को परेशान कर रहा है। तो शिव जी वो दो हाथों को नहीं देख रहे थे, वो उसके 18 हाथों को देख रहे थे। ऐसे ही हम दो हाथों से तो शिव जी की पूजा करते हैं, बाकी 8 इंद्रियों से क्या करते हैं शिव जी वो देखते हैं। आज बहुत गहरी बात समझा रहा हूं कि दो हाथों से तो हम शिव जी की, लेकिन बाकी जो 18 बाकी जो 8 इंद्रियां हैं उससे क्या कर रहे हैं? अर्थात आंखों से क्या कर रहे हैं, अर्थात कान से क्या कर रहे हैं, अर्थात नाक से क्या कर रहे हैं, अर्थात मुंह से, जीभ से, हाथ से तो सेवा कर रहे हैं, बाकियों से क्या कर रहे हैं? और अगर बाकियों से हम जो कर रहे हैं उसके उलट करते हैं तो शिव जी कभी खुश नहीं होंगे। हाँ मुंह मांगा वरदान दे देगी, उसलिए कि ठीक है भाई तूने इतना किया, नौकरी बोल तेरा कितना पगार मिलता है, बनता बता, वो बोले कि 20,000, ले भाई 20,000 जिन छुड़ा। ऐसे शिव जी अपने जो सेवा करते हैं उनको मुंह मांगा वरदान तो दे देते हैं, लेकिन जो शिव जी से कुछ नहीं मांगते,
कुछ नहीं मांगते, मात्र शिव जी की कृपा मांगते हैं। और जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो कृपा के फल स्वरूप कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। अब कृष्ण भक्ति कैसे प्रदान करेंगे? गुरु के माध्यम से। इसलिए अगर हम अपने गुरु की आज्ञा या सम्मान में नहीं रहते हैं तो शिव जी कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। काक भुशंडी का नाम सुना होगा, वो शिव जी के उत्तम कोटि के भक्त, उत्तम कोटि के भक्त। यहां तक कि शिव जी उनसे बातें करने लगे। किससे? काक भुशंडी जी से बातें करने लगे। एक दिन शिव जी के ध्यान में बैठे थे तो उनके गुरु आ गए। अब प्रोटोकॉल तो यह है कि गुरु को देखते ही प्रणाम करना, देखते ही प्रणाम करना, उस पर विलंब ना होना चाहिए। ठीक है, विलंब नहीं होना चाहिए, गुरु को देखते ही प्रणाम। लेकिन रोड पे नहीं है, रोड पे प्रणाम करोगे पीछे से गाड़ी आएगी तो गोलोक चले जाओगे, रुको भी थोड़ा। ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा देखते ही प्रणाम करेंगे, ये भी नहीं देखेंगे पीछे कार आ रही नहीं आ रही। इसलिए अगर रोड रास्ते पे देखो तो फिर हाथों से ही, लेकिन ऐसी जगह देखो जहां कुछ ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुरंत क्या करो, दंडवत करो गुरु को देखते ही। अब जब ये शिव जी से बातें कर रहा था, उनके गुरु महाराज आ गए। अब गुरु को देख के उसने गुरु महाराज को अवॉइड कर दिया, बोला अभी भगवान से बातें हो रही है और अब ये आ गए तो उठा नहीं। तब शिव जी को बड़ा गुस्सा आ गया और शिव जी ने काक भुशंडी से कहा कि जिसने तुम्हें मेरे तक पहुंचने का रास्ता बताया और जिसके आज्ञा और मंत्रों से मैं प्रसन्न हो गया, आज उसी का मान तुम नहीं कर रहे हो। और अगर उसका मान अर्थात अपने गुरु का तुम मान नहीं कर रहे हो, मेरे किसी काम के नहीं हो। और आप पता है शिव जी ने काक भुशंडी को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, क्योंकि तूने गुरु मर्यादा को भंग किया। इसीलिए हमें अपने गुरु की आज्ञा पे चलना चाहिए। इसलिए शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण भक्ति देते हैं, बाकियों को तो मुंह मांगा वरदान। तो दुर्योधन शिव जी क्या साक्षात कृष्ण, जब कृष्ण से नहीं समझे तो शिव जी, और शिव जी को पता था कि इसको एक बात बताऊं, एक बाप के चार बेटे होते हैं, उसमें से एक ऐसा नालायक बेटा होता है कि माँ कहती है इसको समझाओ तो बाप क्या बोलता है, इसको समझाना बेकार है, छोड़ दो इसके हाल पे, ये नहीं समझने वाला है, मानते हो? ऐसे ही शिव जी को पता था कि दुर्योधन को समझाना ऐसा ही है, लेकिन उसको श्री हरि समझाएगा। याद रखना बेटा, याद रखना, जो किसी के समझाने से नहीं समझते उनको वक्त समझाता है। फिर कृष्ण गए समझाने, तब शिव मुस्कुराते होंगे कि कृष्ण से नहीं समझा, अच्छा हुआ मैंने इसको, मुझसे क्या समझता था। इसलिए राक्षस वृत्ति के लोग आपकी पूजा तो करेंगे, आपके पांव तो छुएंगे, लेकिन वक्त आएगा तो वो आपकी भी नहीं समझेंगे, इसलिए उनका नाम राक्षस वृत्ति के लोग। आई समझ जी? और क्वेश्चन का टाइम नहीं है। धन्यवाद आप सबों का। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ में ये घटना है, मैं कई बार आप लोगों को सुना भी चुका हूं कि जब शिव प्रसन्न होता है, देखो मुंह मांगा वरदान आपको मिलेगा, चाहे वो प्रसन्न है या भाई दुकानदार आपसे खुश है या नहीं है। आपने 500 रुपए दिए, वो आपको सामान तो जरूर देगा। ठीक है,
इसी तरह से शिव से जो मांगोगे दोगे, क्योंकि आपने शिव की आराधना की। लेकिन जब ऐसी आराधना में सफल हो जाए और कुछ मांगोगे नहीं, तो उसके फल स्वरूप आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी। शिव कृपा करते हैं, कृष्ण भक्ति देते हैं, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। और मेरे पास ऐसे कई लोगों का प्रमाण है जो पहले बहुत अच्छी शिव जी की पूजा करते थे और शिव जी की कृपा से ही उनको राधा वृंदावन चंद्र मिले। ये सत्य बात है। नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी राधा। जय जय।